दारुल उलूम का अजीबोगरीब फरमान हुआ जारी। अंग्रेजी की पढ़ाई करने वाले छात्र निष्कासित होंगे। ऐसे छात्र दारुल उलूम से होंगे निष्कासित। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रभारी का फरमान आया सामने, आदेश न मानने वालों को संस्थान निष्कासित करेगा। दारुल उलूम में पढ़ने वाला कोई भी छात्र दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेगा। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है मौलाना सुफियान निजामी का। देखिए, एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से एक झूठी और बेबुनियाद बात बार बार मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें ये बात कही जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को और स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने पर उनका निष्कासन करने का हुक्म जारी किया है। यकीनन ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिस के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है कि वहाँ पर जो कोर्स और जो निज़ाम चल रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स उसी निज़ाम को फॉलो करें, उसी सिलेबस को पढ़ें और उसी तालीमी निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। कहीं भी ये इजाज़त नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला बंदा या एक स्टूडेंट्स में एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला छात्र किसी दूसरे इदारे में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल करे। यही बात दारुल उलूम देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज़ी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल उलूम में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है।